दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो को काइन मास्टर से एडिट करते हैं तो दोस्तों आपको इसके एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूं, जो कि है जब आप वीडियो को एडिट करते हैं और एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि वीडियो के एंड में जो साउंड है वो काफ़ी कम है, जिससे कि आपने एंड में क्या बोला है वो आपके ऑडियंस को पता ही नहीं चल पाता। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी छोटी होगी लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आ जाना है, वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो गाइस, मैंने ये वीडियो पहले से एडिट करके रखा है, तो मैं अभी आपको प्ले करके सुना देता हूँ कि एंड में कितना साउंड कम हो जाता है। एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि कितना साउंड हमारे वीडियो का कम हो गया है। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑडियो फेड आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली इनेबल रहेगा। तो इसे दोस्तों आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल जैसे ही कर देते हैं आप, तो आपका वीडियो जो है साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो पूरी वीडियो में साउंड है वही आ जाएगा। मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।